फाइनली हम दोनों घर पहुंच चुकी हैं और गाइस हम घर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले जाएंगे हम माता के मंदिर, उसके बाद फिर और करेंगे। अभी मैं ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि मैंने जूते पहने हैं। जय हो माता जी की। ये शख्स ना, इसका मुंह कभी नहीं रुकता, अभी भी ये पकौड़े खा रही है। माता के मंदिर जा पहले, अभी हर्षु जा रही है, मैं तो जाके आई हूँ। बजा ले, बजाए जे ब्याह बस। यहाँ भी हो गई है थोड़ी सी लैंड स्लाइडिंग। नहीं आना, ये पहले लगे था उनका पत्थर पीछे। ये इधर है हमारा घर साई में, अभी हमने नया बनाया है, अभी काम चला है इसका। और ये हमारा गांव साई, ये नीचे वाले बताओ के घर ही है। लेंटर से वो तक देखूंगा पूरा। ए भूखी चल रहा, इसने मेरे कपड़े पहने हैं इधर। चोर नहीं है तू? ये हमारा मंदिर है, ये भी अभी नया बना है। और इधर थोड़ा सा मलबा ऊपर से गिर गया है, ये थोड़ा सा हिस्सा पुराने घर का है। आगे ऊपर दिखाते हैं। अंशी पकौड़े ले। ए बन रहा है, टेम्परेरी है सब कुछ। ये किचन है, ए दूसरा रूम है, ये बाथरूम है, ये एक रूम है, थोड़ा बहुत सामान रखा है पुराना, इधर लकड़ी वगैरह रखी है। एक घर से पीछे वाली साइड, ये इधर पूरा हॉल है, ये भी अभी बनानी है। यहाँ पे शादी की डेकोरेशन हो गई है, ये बाहर वाला व्यू ऊपर वाले फ्लोर से। ये हमारा गांव है पूरा। मैंने ड्यू ली थी, मम्मी चोर के पी रही है मेरी ड्यू। ये आधा अधूरा ही सुखा रूम है। इसको मैं लूंगी जब रेडी हो जाएगा। जब हमने काम लगाया तो इधर से ईंटें अंदर लाते थे। ये दूसरा रूम है, ये है बाहर से सामने का व्यू। वाओ, ये तो मैं भी आज देख क्या। मम्मी आली चली बैठो। अब हम जा रहे हैं लैंटर पे। ये है हमारा ऊपर लैंटर, सोलर सिस्टम भी लगा है और हमारा मंदिर भी है ऊपर। और एक छोटा सा हमारा गांव, गांव में हमारा घर। ये हमारा गांव है और ये हमारे ताऊ जी का घर है। नीचे वाला हमारे ताऊ के घर है, दोनों नीचे भी ताऊ वगैरह के घर है। ये नीचे जितने ये वाले खेत हमारे हैं।
और सामने नीचे सड़क है जो दिख रही है। इधर हमारे गीजर लगे, पता नहीं क्यों लगाए, हम तो इधर रहते नहीं है, ऐसे पटक रहे हैं इधर। ये हमारे घर के पीछे गुरुद्वारा, सामने मुझे डर लगा, अभी ग्रिल लेने लगी ऊपर, मेरे को डर लगता है ज्यादा आगे जाने से। अरे हम दोनों ऐसू है, अभी में नहीं रहते, बहुत मजा आता है। हाँ। और अभी यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, मंडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाएंगे हम घर थोड़े टाइम बाद, जब हमारे घर का काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। वैसे तो नहीं आएंगे और अब हम शादी वाले दिन ही आएंगे। किसकी शादी? मेरी शादी होगी। हाँ, तभी पहुंचेंगे हम तैयार। अब हम धीरे धीरे करेंगे इसको तैयार, जल्दी भी क्या है ना। अरे ऊपर को पूरा जंगल है गाइस, ये हमारे खेत है नीचे, पहले जाते थे हम, अब तो दे दी हमने किसी को। ऐसे भी दी है, सिर्फ खेती करने के लिए दी है, बाकी हमारे ही है वो। यार पीछे हमें डर लगा छोटे कुछ ना, और ये डरती है बहुत। वैसे मैं यहाँ से जो मजा है वो कहीं नहीं है। आशु दीदी आजा आजा, डरना नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसको जियो। ए मम्मी डाल रही है अभी चिड़िया को चावल, चावल एक बार डाल देगी मम्मी, एक कर्मी नहीं ली और मौसम भी खराब होने लग गया है। लिंक रोड तो इधर हमारे घर तक आता है, पर नीचे हमारी गाड़ी है। गाइस ये है हमारा गांव, हम आपको दिखा चुके हैं एक बार, अब हम दूसरी बार दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको बताओ? अभी मैं आपको बताती हूँ मम्मी कैसे ऊपर चढ़ती है। मम्मी चढ़ आ जा कर, हमारे इधर ना हमारे साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज होती है। हमारी जो ऊपर 2000 लीटर की टंकी है, इसको कोई खाली कर देता हर बार। ये वाली नहीं, नीचे वाली, नीचे वाली, मेरे को नहीं था पता। ये जो हमने नीचे वॉशरूम के लिए रखी है, हम इधर से मम्मी पापा इसको भर के जाते हैं मंडी, हफ्ते में जितनी बार भी आते हैं भर के जाते हैं इसको। और कोई इसके नीचे वाला नल खोलता है, खोलने के बाद जैसे टंकी खाली हो जाती है नल बंद कर देता है। हम जितनी बार भी घर आए इन्होंने यही हरकत की इधर, लेकिन वो सोचते हैं किसी को पता नहीं चलता है, हमने कैमरे लगाए हैं इधर, हमें तो पता है कौन खोलता है, पर हम सोचते हैं क्यों किसी के साथ लड़ाई करनी। इस बार हम आए हैं तो नीचे निकाला है पानी, अगर निकाला होता तो उनको बताते हम। हर बार यही काम करते हैं, नल खोल देते हैं, जैसे पानी ख़त्म नल बंद। उनको लगता है कि इनको पता नहीं चलेगा ये क्या कर रहे हैं हम पर, हमें पता है कौन खोल रहा है कौन क्यों कर रहा है। बहुत ही गंदे लोग होते हैं कुछ कुछ गांव में, सब भी नहीं होते, कुछ कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं लड़ाई करने के लिए, और हमारे तो बहुत ज़्यादा है। रेत बच गया इधर कुछ, अभी भी पूरी तरह से क्लीन होगा और हम यहाँ गार्डन बनाएंगे। ये बहुत काम बचा इधर का। ये है हमारे घर के पीछे का रोड, लिंक रोड है ये। ये पुराना वाला वॉशरूम है इधर, ये पीछे घर है, और इधर से ऊपर को जाता है टांडू गांव है उधर रोड। अभी हम जा रहे हैं वापस मंडी, क्योंकि इधर बारिश लगने वाली है। पापा पूजा कर रहे हैं और बस अभी चलेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अगर बारिश पड़ी तो रोड बंद हो जाएंगे, कभी उसने स्कूल भी जाना है, सब ने जाना ही है। और बज रहे हैं 7 और हम पहुंच गए मंडी। ऐसे बता देती हूँ मैं टाइम, बढ़िया ही गाड़ी देखने वाली। फ्यूज भी आ गया मेले से 4-5 दिन बाद। बज रहे हैं 8, दाल इधर बन गई और चावल डाल रहे हैं, आज थक भी गए हैं थोड़ा। अभी बज रहे हैं रात के 11 और सभी सो गए हैं मेरे को छोड़ के,
बाय बाय, गुड नाइट।